तो सबसे पहले तो इस बाबा के खिलाफ एक FIR दर्ज होनी चाहिए देशद्रोह के मामले में। जब इसे पता था कि सैकड़ों जिंदगी जाने वाली है और उसके बावजूद भी इसने नहीं बताया, तो इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कोई भी हादसा होगा या कोई भी भारत के अंदर दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेवार यही बाबा होगा, क्योंकि इसे पता था। इसने कहा कि पहले ही मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि ये चीजें होने वाली है। अब आप ये देखिए कि बाबा के भक्त कह रहे हैं कि बाबा खुद कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण जी महाभारत को नहीं टाल पाए थे, उसी प्रकार मैं भी इस घटना को, दुर्घटना को नहीं टाल पाया। अरे बाबा, हम तुझे वहां खड़ा नहीं कर रहे थे ट्रेन की पटरी पे, कृष्ण जी तो उसमें थे, युद्ध के मैदान में थे। आप कौन से युद्ध के मैदान में हो? हम आपको ट्रेन की पटरी पर थोड़ी ले जा रहे थे। आपको तो एक कॉल करनी थी, एक पर्चा बनाना था, भारत सरकार को भेज देना था, और आप वो भेज नहीं पाए। और दूसरी बात, अब जब धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कहते हैं कि इन्हें पता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी आपका ही कोई षड्यंत्र हो इसमें? और षड्यंत्रकर्ता को ही पहले पता होती है। जैसे कोई आतंकवादी होता है ना, वो आतंकवाद की घटना करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, प्रिपरेशन करता है, उससे चीज़ें पता होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको पता था तो इस दुर्घटना के, इस घटना के जो मेन कॉन्स्पिरेटर हो वो आप ही हो, और इस बाबा पर जितनी जल्दी हो सके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या कोई मुकदमा बन सकता है इन पे इस तरह से? बिल्कुल बन सकता है, मुकदमा बनेगा। एक मुकदमा इन पे पहले हो चुका है, जहां से मैदान छोड़कर भाग के आए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है उनको चैलेंज किया था जब मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर दूसरा भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो कि आईटी के प्रावधानों में भी हो सकता है और दूसरे जो कानून है उनके बीच, उनके आधार पर भी हो सकता है। जो है वो ये कहती है कि ये जो है मुस्लिमों ने किया है, हिंदू मुस्लिम का इसको रंग दे दिया गया। जब ये पता लगी कि वो मस्जिद नहीं है, मजार नहीं है, वो मंदिर है, तो उसके बाद ये बाबा पर आ गए, और बाबा पर आकर बाबा कहते हैं कि मुझे तो पता था। अरे बाबा, आपको इतना ही पता था तो आपको FIR के बारे में क्यों नहीं पता था जो आपके खिलाफ हो गई थी, जिसमें आप मैदान छोड़कर भागे थे? अगर बाबा को इतना ही पता था घटना के बारे में, तो चलो ये तो आपकी शक्तियों का आज चैलेंज हो गया कि भविष्य में अगर कोई भी घटना, दुर्घटना अगर भारत में होती है तो उसका जो जिम्मेदार है ये बाबा ही होगा। तीसरी बात, ये अंधविश्वास फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जो गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है, इनके खिलाफ तुरंत ही FIR दर्ज होनी चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं ये जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड का एक प्रोपोगेंडा इन जैसे बाबाओं के द्वारा तैयार किया जा रहा, या जैसे चैलेंज कर रहे थे लोग सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत बचाने के लिए, बाबा ने ऐसी बोल दिया भावनाओं में बहकर। देखिए, इज्जत तो इनकी बच गई जब इज्जत इनके भाई गोली चलाते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इज्जत तो इनकी बची हुई है जब ये मुंबई से भागते हैं। इज्जत तो इनकी बची हुई है जब ये इन्हें यह तक पता नहीं लगता कि इनका भाई क्या कर्म कांड करने वाला है। और इज्जत तो इनकी ये बची हुई है कि ये चैलेंज कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, और कुछ लोग मानते हैं कि इनमें दैवीय शक्ति है। अरे भैया, दैवीय शक्ति है तो भारत का जो रुपया गिर रहा है ऊपर करा दो, जो हमारी GDP डाउन है इसे अपग्रेड करा दो, जो भारत जो आज नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब देशों की श्रेणी में, इसमें कुछ कर दो। अगर आपके अंदर कोई भी देवीय शक्ति है तो कल से मैं भी आपको मानने लग जाऊंगा। जैसे आपने कहा पहले स्टार्टिंग में कहा गया कि मुसलमानों ने मजार थी या मस्जिद थी, इस प्रकार की बातें भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण की वजह से भी ऐसे हादसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल होती है। ये जो जन्मजात आरक्षण वाले मेरिटधारी जो रेलवे को चला रहे हैं, भारत सरकार को चला रहे हैं, जिसके आज तक सबसे ज्यादा सेक्रेटरी रहे हैं भारत में, जिनके जस्टिस रहे हैं भारत में, जिनके IAS ऑफिसर DM रहे हैं, जिनके मंत्री रहे हैं, जिनके संतरी रहे हैं, और जिस प्रकार का ये आरक्षण जन्मजात जाति के आधार पर, चोटी का आरक्षण, जो मंदिर का आरक्षण, जो ये आरक्षणधारी है, इनकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। और अगर इस प्रकार का आरक्षण भारत में बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर स्टेट बन जाएगा, क्योंकि यहां पर जो योग्यता है, योग्यता सिर्फ जाति है, वो जाति जो है एक विशेष वो जाति है जो अपने आप को यहां पर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है। लगातार कहा जाता है कि मोदी जी जो है वो कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, कपड़े बहुत बदलते हैं, लेकिन इस घटना में देखा गया कि लोगों को कफन नहीं मिले। परंतु जो मनुष्य मरे हैं, जो मानव मरा है, जो ह्यूमन मरा है, जो पैसेंजर मरे हैं, उनके
लाशों पर आज कोई बात करने वाला नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब कपड़ों की बात होती है तो वहां पर भी जो परिधान मंत्री है वो परिधान बदल कर गए थे। और मैं ये बता दूं कि जो मेन स्ट्रीम गोदी जो बिकाऊ मीडिया है उसने ये कहा कि जिस प्रकार देखे गर्मी में भी जो हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, तो जो ये प्रधानमंत्री है प्रधान को बदलने का जो इनका परिधान को बदलने का जो सोच है वो हमेशा ही चलती रही। तो क्या लगता है इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे का जिम्मेदार वो सभी सरकार के कर्मचारी हैं जो इस बात का दावा करते थे कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिससे कभी भी कोई भारत के अंदर ट्रेन दुर्घटना नहीं हो सकती। और उस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और उस हजारों करोड़ रुपए खर्च करने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री द्वारा हुआ है, राज्य मंत्री द्वारा हो, और ये भ्रष्टाचार और ये जातिवाद ये कि अगर ये कोई मंत्री कोई मुस्लिम या शेड्यूल कास्ट समाज से होता तो इस मंत्री को ये लोग जो है अभी तक अपने पद पर नहीं रहने देते। परंतु ये जो है ना दुर्भाग्य से ना तो ये शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल टाइप है, ना ही मुस्लिम है। तो इस घटना की दुर्घटना की जो भी जिम्मेदारी है वो रेल मंत्री के साथ साथ उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों की है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितनी भी रेलगाड़ी यहाँ पे शुरू हुई है नई, तो सभी के जो हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी वजह से भारत की जो इकोनॉमी जो है वो बड़ी है, और अगर ये हादसा हुआ है तो ये हमारे पास ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिसके उद्घाटन करने के बाद या जिसके आने के बाद भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती जा रही है और भारत के नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से नुकसान होता जा रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे इस मैटर में? नहीं, रेल मंत्री ना तो इस्तीफा दे रहे हैं ना ही प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ बोलने को तैयार है। हजारों लोगों की जान चली जाती है और ये कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की उसमें जान गई है। और दूसरी बात ये है कि जो रेलवे का जो सिस्टम है वो सिस्टम पर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। और अगर ये कहते हैं कि आरक्षण जिम्मेदार है तो मैं बताना चाहता हूँ कि सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो भी लापरवाह लोग हैं उन सभी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस मामले में। जितनी भी रेलगाड़ी चल रही है हमारे देश में सभी पर लिखा रहता है कि आजादी का अमृत महोत्सव, हर डिब्बे पे लिखा रहता है, लेकिन क्या टेक्निक इन्होंने जो है सही से करी देश में? देखिए ये जो आप ये देखिए कि हर जगह पर आजादी का अमृत महोत्सव, G20 फलाना ढिमकाना, ये सारे ही करप्शन के एक रूप है कि ये उनके मार्फत करप्शन कर अपने आप का जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं, परंतु जो मूलभूत टेक्नोलॉजी है उनमें कोई परिवर्तन ये करना नहीं चाहते। अमृतकाल चल रहा है सर? अमृतकाल चल रहा है तो आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में अमृतकाल कैसा चल रहा है। कोई पुलिस के सामने मार देता, कोई जज के सामने मार देता, कोई किसी को कर देता, कहीं रेल की पटरी बदल जाती है, कहीं शेड्यूल कास्ट मर रहे हैं, कहीं मुस्लिम मर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर अमृतकाल आपको चाहिए तो आप अमृतकाल में रहो, हमारे लिए तो विषकाल ही बढ़िया है। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि एक तो मोदी जी ने स्टेशन भेज दिया रेलवे के, इसके अलावा जो भर्तियां नहीं कर रहे हैं, मैन पावर बहुत कम हो गई रेलवे में, इस वजह से हादसे हो रहे हैं। देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो ये सिर्फ एक इनकी नूरा कुश्ती है, हादसे जब भी थे जब विपक्ष था। और अगर आप एक मुद्दे को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि उस मुद्दे से पूरा पक्ष और विपक्ष जो है अलग है तो ऐसा नहीं है। ये अभी सेंटर में जब विपक्ष बैठ जाएगा तो उसके द्वारा भी ये सारी चीजें निरंतर होती रहेंगी।